पूरे देश में जहां महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और दावे किए जाते हैं, वहीं फर्रुखाबाद में सारे दावे दम तोड़ते नजर आए। यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपनी बेशर्मी दिखाई। उसमें है पत्नी होते हुए भी ऐसे बोले जा रही तेरे सामने, सिर पे नाचेगी एक दिन तेरे, अभी भी नाच रही है, हमारी बोल जाए पत्नी हमारे सामने ऐसे, जब तक जवान काटे जा रही है हमारी तरफ बोलता है महिला कोई पुरुष के सामने। सुना आपने, ये साहब फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, नाम है योगराज शर्मा। शर्मा जी ने अपने शब्दों का ऐसा योग लगाया कि नारी सशक्तिकरण की सारी परिभाषा ही बदल दी। कलेक्ट्रेट के इस सभागार में हर साल हर महीने महिला सशक्तिकरण पर बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन साहब की सोच इतनी छोटी है कि इन्हें किसी महिला का बोलना भी नागवार गुजरता है। एक बार फिर से सुनिए इनके मुख से महिलाओं के लिए निकले हुए बोल। बस में है पत्नी होते हुए भी ऐसे बोले जा रही तेरे सामने, सिर पे नाचेगी एक दिन तेरे, अभी भी नाच रही है, हमारी बोल जाए पत्नी हमारे सामने ऐसे, जब तक जवान काटे जा रही है हमारी तरफ बोलता है महिला कोई पुरुष के सामने। मध्याह्न भोजन रसोईया संघ की प्रदेश अध्यक्ष काजल कटारिया मुजफ्फरनगर से आई थी संगठन के काम से, लेकिन बीएसए साहब ने तो नारी शालीनता और सारी मर्यादा को दाग पर ही रख दिया। साहब भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारी वाइफ कितना बोलती है, तुम इतने शांत क्यों खड़े रहते हो, तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी ये करेगी, हमारे घर में भी आग लगाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं बीएसए साहब। तो मतलब महिलाओं जबकि परिवार में बोलने के लिए कहा नहीं जाता है, फिर भी अधिकारी होने के बावजूद हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो हद होती है बेशर्मी की, मंगल पर पहुंचने के इस युग में ये इन हालातों से गुजरना पड़ता है हमारे देश में महिलाओं को। अनिल वर्मा, फर्रुखाबाद, समाचार प्लस।